चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। अब इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन डायरेक्ट आइगन वेक्टर की डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, इसलिए मैंने इसे लिया है। ये 2014 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेट 3 में आया हुआ था। कंसीडर अ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस सच दैट टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्टिव आइगन वैक्टर्स। ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर x1, x2, x3 दिया हुआ है, बी के करस्पॉन्डिंग y1, y2, y3 दिया है, और ए 0 के बराबर नहीं है, बी और 0 के बराबर नहीं है। और एक और कंडीशन दी है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखिए इसमें क्लियरली दे दिया है ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू जो है ए और बी डिस्टिंक्ट है। तो जो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अगर एन इंटू एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। डिस्टिंक आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। इसका मतलब जब हम दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 सीधा डॉट प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी से था। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 180। कंसिडर द मैट्रिक्स, ये J6 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें काफी 6x6 का काफी बड़ा मैट्रिक्स दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर जो टर्म्स हैं मैट्रिक्स से वो जीरो हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज कर दिया है, मतलब जो A11 था वो A61 पे चला गया है, मतलब 1 से 6 पे ले आया है, और इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ है। विच इज ऑब्टेंड बाई रिवर्स, J6 मैट्रिक्स इज ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स I6। और जो फिर ये बोल रहे हैं, लेट पी इज टू I6 प्लस अल्फा J6, वेयर अल्फा इज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर। अल्फा जो है निगेटिव नहीं है और रियल नंबर भी है, सो अल्फा की वैल्यू बताइए ताकि पी जो है पी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, इस पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। गेट 2014 EC सेट 1 में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 180 है। अब इसमें J6 मैट्रिक्स दिया, तो फ्रेंड चलिए हम सीधा P मैट्रिक्स जो P इज टू I6 प्लस अल्फा J6 ये मैट्रिक्स ही सीधा लिखते हैं। अब इसमें क्या है, ये अल्फा अल्फा J6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये टर्म्स आइडेंटिटी, ये 1, ये 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0, 0 और अल्फा, और ये 0। इस मैट्रिक्स को बस हमें इतने नाम से अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में अगर हमने गलती कर दिया तो सिली मिस्टेक होने का चांस है फ्रेंड्स। चलो सिली मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है। से मैट्रिक्स को पी मैट्रिक्स बना रहा हूं, यहां अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा J6 है, यहां 1 आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1। यहां पे ये अल्फा आ जाएगा, यहां 0, यहां 0, यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, और लास्ट टर्म हमारा यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ 0, ये 0, 0, 0 और 1। बस ये मैट्रिक्स हमें बनाना है। अब फ्रेंड्स अब इसमें बोल रहा है कि जो पी का जो डिटर्मिनेंट है, पी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 0 है। पी का डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये मैट्रिक्स में अगर मैं किसी एक रो को कंप्लीट 0 कर दूँ, ये 6x6 का मैट्रिक्स है, अगर इसका रैंक मैं 6 से कम कर दूँ, रैंक 5 हो जाए, 4 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट अपने आप 0 हो जाएगा। मीन्स अगर पूरा एक रो 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट खुद ही बखुद 0 हो जाएगा। तो इसमें मैं एक
ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, आर सिक्स रो जो ये हमारा रो सिक्स जो आर सिक्स है, ये रो वन है, आर सिक्स को मैं आर वन से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ऐसा क्यों किया फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों में वेरिएबल मिल जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट वेरिएबल लिख देता हूँ लास्ट में, अल्फा माइनस वन, वन माइनस अल्फा। अगर मैं आर फाइव को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता आर वन से, तो यहाँ पे मुझे वन मिल जाता और यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे माइनस वन मिल जाता, यहाँ पे माइनस अल्फा मिल जाता फ्रेंड्स, तो वन तो रह ही जाता, फिर जीरो कर नहीं पाता मैं। उसी तरह इसमें इसमें भी माइनस वन मिल जाता अगर आर वन को मैं सब्ट्रैक्ट करता आर फोर से, तो यहाँ माइनस वन मिल जाता, यहाँ माइनस, यहाँ इस पॉइंट पे माइनस अल्फा मिल जाता, तो उस केस में भी मैं रो को जीरो नहीं कर पाता, क्योंकि एक जगह माइनस वन मिल जाता, एक जगह माइनस अल्फा मिल जाता, अल्फा और वन भी था, तो इसीलिए मैंने सीधा लास्ट वाले रो में ये ऑपरेशन अप्लाई किया। अब ये सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू वन मैं पुट कर दूंगा, अल्फा इक्वल्स टू वन पुट कर दूंगा, तो ये रो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, ये कंप्लीट रो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू वन मेरा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्फा इक्वल्स टू वन मेरा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 119 लिया है, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर्स इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड एक्स वाई डिनोट देयर डॉट प्रोडक्ट, मीन्स ऐसे सिंबल को डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं। देन द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं इस मैट्रिक्स का, मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट से बनाया हुआ है, एक्स एक्स के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया है, एक्स और वाई के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे वाई और एक्स और यहाँ वाई वाई लिया है, तो इसका डिटर्मिनेंट के बारे में पूछ रहा है और चार ऑप्शन दिए। ए पहला ऑप्शन है, इस बोल रहा है कि इस जीरो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा व्हेन एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जीरो व्हेन एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहा है। और बी ऑप्शन में है इज पॉजिटिव व्हेन एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सी ऑप्शन है इज नॉन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स एंड वाई, इज नॉन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स एंड वाई, और डी ऑप्शन है इज जीरो ओनली व्हेन आइदर एक्स और वाई इज जीरो। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें मैं चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 गेट 2007 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम कि एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फ्रेंड्स, अगर एक्स और वाई एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये एक्स वेक्टर है, इसे लाइन खेलो, तो ये जो वाई वेक्टर होगा अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो मैं वाई को एक्स के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि वाई को मैं लैम्डा टाइम्स एक्स नहीं लिख सकता हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है, तो इस लाइन के अक्रॉस ये एक वाई मेरा नहीं आएगा, तो वाई हम मेरा हमेशा किसी एंगल पे बना के आएगा, एक्स के एक्स साइड में किसी एंगल पे आएगा वाई, तभी तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वाई, तभी तो एक्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि मैं एक्स वाई को एक्स के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसी एंगल थीटा पे आएगा। तो अब जो हमारा मैट्रिक्स है, जो ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको मैं फॉर्म करता हूँ। अब ये मैट्रिक्स हमारा कैसा बन जाएगा, x डॉट x दिया हुआ था, तो
डिटरमिनेंट सॉरी मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर हो जाएगा सीधा, और यहाँ मैग्नीट्यूड वाई स्क्वायर हो जाएगा सीधा, हो जाएगा ना। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड एक्स मैग्नीट्यूड वाई कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लेना है, बस डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब इसका आप इसका इस मैट्रिक्स को मैं पी बोल देता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं पी का, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो डिटर्मिनेंट पी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें सब चीज़ स्क्वायर है, तो डिटर्मिनेंट पी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर मैंने एक्स और वाई हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डिटर्मिनेंट हमारा कैसा होगा, डिटर्मिनेंट पी का एक्स वाई और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर थीटा जीरो नहीं है, थीटा को मैं जीरो नहीं ले सकता, अगर जीरो हो गया थीटा तो क्या होगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। थीटा अगर मेरा जीरो हो गया तो इस लाइन पे वाई आ जाएगी और वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ से पता चल रहा है इस जीरो व्हेन एक्स एंड वाई आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि लिनियरली इंडिपेंडेंट होने पे हमारा क्या रहा है, डिटरमिन सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इज पॉजिटिव व्हेन एक्स एंड वाई आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये सही है, पॉजिटिव है, लेकिन ये हमेशा अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, इज नॉन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स एंड वाई। अब फ्रेंड्स इसमें एक सी ऑप्शन है, इज नॉन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स एंड वाई, अगर एक्स और वाई नॉन जीरो है तो क्या ये डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होगा, नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि एक केस ऐसा होगा जब एक्स और वाई लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, मीन्स मैं एक्स को वाई के टर्म्स में लिख सकूंगा, यानी थीटा मेरा जीरो हो जाएगा, थीटा अगर मेरा जीरो हो जाएगा तो मैं वाई मेरा एक्स के प्लेन एक्स के वेक्टर लाइन पे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन पार्शियल करेक्ट है, मीन्स नॉन जीरो ये मैग्नीट्यूड एक्स और वाई का जीरो तो नहीं है, लेकिन अगर लिनियरली डिपेंडेंट हुआ तो ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो फॉर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट पी मेरा जीरो हो जाएगा फॉर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो एक ऑप्शन इसमें आप और देख सकते हैं, अगर ऐसा दिया रहता कि एक्स और वाई लिनियरली डिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेंट हमेशा इस मैट्रिक का जीरो आता। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है फ्रेंड्स, इज जीरो ओनली व्हेन आइदर एक्स और वाई इज जीरो, इसमें बोल रहा है, अब ये भी देखिए ऑप्शन जो है पार्शियली करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जीरो ये तभी जीरो होगा जब एक्स और वाई ही कोई जीरो होगा, या तो एक्स जीरो होगा तभी जीरो होगा, या वाई जीरो होगा तभी जीरो होगा, मीन्स कोई भी एक जीरो होने पर यह जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जीरो तब भी हो सकता है ना जब एक्स और वाई जीरो नहीं होगा। सी और डी ऑप्शन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर एक्स और वाई मेरा नॉन जीरो रहा तब भी ये जीरो हो सकता है अगर लिनियरली डिपेंडेंट रहा, तो इसमें लिनियरली डिपेंडेंट का कुछ जिक्र नहीं कर रहा है, तो मैं डी ऑप्शन को नहीं टिक कर सकता। बहुत लोग इसको पढ़ के सीधा देखेंगे जीरो ओनली आइदर एक्स और वाई जीरो, अगर हमने थीटा पे ध्यान नहीं दिया तो डिटर्मिनेंट ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है एक्स और वाई को, एक्स और वाई कोई भी जीरो हो गया और हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, हमने सीधा डी में टिक लगा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है एक्स और वाई में से कोई भी जीरो होगा, ये ऑप्शन बोल रहा है, ये ऑप्शन पार्शियली करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और बी ऑप्शन हर ये टोटली करेक्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ही होगा जब हमारा ये एक्स और वाई लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।
ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. गुड बाय, टेक केयर.